हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आईआरबीटी की आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूजी एडमिशन अप्लाई जो है और एडमिशन पेमेंट का डेट जो है वो खत्म हो चुका है, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि अप्लाई करने से भी छूट गए और एडमिशन पेमेंट करने से भी छूट गए हैं। तो दोस्तों, अप्लाई का डेट तो अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, लेकिन एडमिशन पेमेंट का जो फिर से जो है यूजीटी ने जो है डेट यानी कि पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है। तो आप लोग में से जो भी छूट गए थे एडमिशन पेमेंट करने से, यानी कि अप्लाई किए थे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो अप्रूवल हो गया था लेकिन एडमिशन पेमेंट नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो उसके लिए जो है फिर से एक मौका दिया गया है एडमिशन पेमेंट का। आप एडमिशन पेमेंट कर सकते हैं और अपना जो डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे चांसलर पोर्टल से आपने अप्लाई किया था वहीं पर आपको जो है एडमिशन पेमेंट का जो है दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्लोज दिख रहा था, तो अब यहाँ पे आपको पे नाउ दिखेगा, यहीं से आप पे नाउ पे क्लिक करके जो अपना एडमिशन पेमेंट करेंगे और जो है अपना हार्ड कॉपी निकाल के कॉलेज में सबमिट करेंगे। कैसे पेमेंट करना है इसके रिगार्डिंग तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको आना है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पे आके। जैसे ही अपना चांसलर पोर्टल में आईडी पासवर्ड जो जो डाल के ओपन करेंगे, तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पेमेंट सेक्शन में आना होता है। पेमेंट सेक्शन आने के बाद यहाँ पे फी पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है, ये जो अप्लाई उसका ये है अप्लाई का जो यहाँ पे है। जैसे इस स्टूडेंट ने यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई किया था, यहाँ पेमेंट क्लोज किया है, पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे आपको जो है एडमिशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे तो मॉडल नाम में जो है एप्लीकेशन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको एडमिशन सेलेक्ट करना है और गेट डिटेल पे क्लिक करना। बहुत कोई होता है कि गेट डिटेल पे क्लिक नहीं करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा आ ही नहीं रहा है, तो आपको यहाँ गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आ गया हिंदी होना से, और ये एसकेएमयू में ये जनजातीय संध्या डिग्री महाविद्यालय मिहसाम कॉलेज में जो है अप्लाई किया। तो यहाँ पे इसका क्लोज दिख रहा था और अभी जो यहाँ पे पे नाउ दिख रहा है, यानी कि जो है पेमेंट का जो यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। आप यहीं से पेमेंट पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक टू व्यू एडमिशन फी डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है एडमिशन फी का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं कि आपका टोटल कितना फी यहाँ पे बन रहा है। जैसे इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है 1800 फी बन रहा है, उसी तरह से आपका भी वहाँ पे दिखेगा जिस कॉलेज में आप हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट पूछने लगते हैं, तो मैं बता दूं कि इसका जो है कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, लास्ट डेट वगैरह कुछ दिया गया नहीं है। ये जो कल रात में जो ये जो है अपडेट हुई थी, और मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में जो मैं डाल दिया था कि जो है स्टार्ट हो गया, और मैं आज वीडियो के माध्यम से भी, तो जो भी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देख के अपना जो एडमिशन पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका अगर ऐसा कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देंगे ताकि वो भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट नहीं दिया गया है, ये जो है आज शाम में भी बंद हो सकता है या फिर कल भी हो सकता है या परसों तक भी चल सकता है, लेकिन इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। तो आप जल्द से जल्द यानी कि आपको पता चला और आप पेमेंट कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पोर्टल जो है कभी भी बंद हो सकता है। आप लास्ट डेट वगैरह का कोई ये नहीं करेंगे, आपको पता चला और आप एडमिशन पेमेंट कर दें और अपने जो है हार्ड कॉपी जो है अपने कॉलेज में सबमिट कर दें। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग को मुझे बताने थे, मैंने वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।